हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एरीज, देखते हैं क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ इट जो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग देख पाओगे। टेम्परेंस, सेवन ऑफ व्हील, नाइन ऑफ सोर्ड्स। लेट अस सी, क्लारिफाई कर लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट। ये जनरल रीडिंग है, याद रखना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक डेफिनेटली कर सकते हैं। वॉट इज कमिंग फॉर माई एरीज हियर, लेट्स सी। हैंग्ड मैन के साथ टेम्परेंस, पेज ऑफ वंड्स के साथ सेवन ऑफ व्हील्स, टेम्परेंस के साथ द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, फाइनली एरीज सिचुएशन बदल रहा है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कहीं पे भी किसी भी चीज़ से आप गुजर रहे थे, ट्रॉमेटिक सिचुएशन था, कोई प्रॉब्लम, इशू, हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एनजाइटी, टेंशन, कुछ भी जो आपको खाए जा रहा था, आप फाइनली उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आ रहे हो एंड अपने आप को एक बेटर लाइफस्टाइल दे रहे हो। बेटर लाइफस्टाइल मतलब एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, बेटर सोच, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, पॉजिटिव चीज़ें सोचना, अपने आसपास एनवायरनमेंट को थोड़ा सा क्लीन अप करना, पॉजिटिव रखना, ये चेंजेस आप डेफिनेटली देख पाएंगे। देर इज़ अ हीलिंग जो डेफिनेटली होगा, स्पेशली अगर कुछ ट्रॉमेटिक सा हुआ है रिसेंटली आपके ज़िंदगी में, जिससे आप निकलना चाहते हो, वो डार्कनेस आपको खाए जा रहा था, आप फाइनली धीरे धीरे उस डार्कनेस से निकलना शुरू करोगे या बहुत हद तक आप निकल जाएंगे फॉर श्योर। सो आप फाइनली बेटर फील करना शुरू करेंगे इस 15 दिन में। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपके करियर में या आपके वर्क, आपका यू नो मनी, ये सारे सिचुएशन में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे कम्युनिकेशन, काफ़ी सारा इंटरेक्शन या मूवमेंट जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। बिकॉज़ आई एम सीइंग दैट या तो आपको बाहर से कहीं से कुछ मेल, कुछ लेटर्स, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह मिल सकता है, लाइक कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होगा जो काफ़ी दूर से आ रहा है या आप काफ़ी दूर भेज रहे हो। लाइक आप एक जगह पे रहते हो एंड आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वो शायद किसी और शहर में है, किसी और देश में है, आप अपना कोई स्टडीज़ करना चाहते हो जो कहीं और है। सो ऐसे या तो आप कहीं अप्लाई कर रहे हो या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया था, वहाँ से आपको वापस कोई कम्युनिकेशन पहुँच रहा है आपके पास। सो आई सी अ कम्युनिकेशन जो काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हुआ कम्युनिकेशन होगा एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। इस कम्युनिकेशन के बाद आपको एक होप मिलेगा कि आप कुछ फिर से कर सकते हो या आप जो कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बिजनेस वगैरह में हो, आई सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई सी अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर यू, आई सी अ लॉट ऑफ पे चेक्स, अ लॉट ऑफ कैश, अ लॉट ऑफ मनी, या आप जिस भी काम के साथ इन्वॉल्व्ड हो, जिस भी बिजनेस के साथ आप इन्वॉल्व्ड हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, नए नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे, नया नया आपका सेल होगा या मार्केटिंग होगा या वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप जॉब वगैरह में हो, वैसे भी आपको बहुत से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। सो ये जो टाइम होगा, आपका मेन 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 फोकस आपका करियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ लाइक काफ़ी सारा मूवमेंट, एक्शन, ये सब बना रहेगा। एंड ऑल्सो कि आप बिज़ी रहने वाले हो इस समय, आपके करियर को लेके आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो। सो मैक्सिमम टाइम दिन का आपको अपने करियर में ही देना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम आपके करियर में ही जा रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स आप उसमें डिफरेंट चीज़ें करने को आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं जिसे आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हो, प्रोडक्टिविटी आपका बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड रहेगा। सो अगर आप टाइम सच में दे रहे हो ऑथेंटिकली एंड जेन्युइनली, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो अपने करियर को लेके, ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप उसे रियलिटी में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे फॉर श्योर। ओके, ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट
सी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, लाइक दो बार टेम्परेंस है आपके इस पूरे रीडिंग में, छः कार्ड में दो कार्ड टेम्परेंस का है दोनों डेक में से. सो आई डेफिनेटली सी कि अगर ये आपका रिलेशनशिप वगैरह भी है ना, लाइक योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर लव लाइफ, योर फ्रेंडशिप और वट एवर इट इज़, वहाँ पे भी आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन. सो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप जिस रिश्ते में हो, आप जिस मैरिज में हो, आई डेफिनेटली सी यू गाइज कि आप इस पर्सन के साथ, लाइक अगर सब कुछ नॉर्मल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या वैसा नहीं, नॉर्मली जो लोग एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आई डेफिनेटली सी यू गाइज आर इन अ बेटर पोजिशन, या आप लोग एक बैलेंस्ड या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ. नाउ जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आई एम सीइंग दैट आपका सिचुएशन थोड़ा सा स्टक हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको और उस थर्ड पार्टी के साथ एक बैलेंस्ड बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर सकता है, जो शायद आपको समझ में आ जाए, पता चल जाए. सो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक या स्टक सिचुएशन बन सकता है जो लोग थर्ड पार्टी में हो, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए. बाकी आई एम सीइंग दैट इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में हीलिंग तो हो रहा है एंड आगे भी पूरी तरीके से हीलिंग होने के काफ़ी सारे पोटेंशियल है, काफ़ी सारा चांसेस है. तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैं वेट करूँ कि मैं चला जाऊँ इस कनेक्शन को छोड़ के, मैं कहूँगी आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, बिकॉज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ होप इन दिस कनेक्शन. अगर इस वक्त सब कुछ बैलेंस में नहीं भी है, या अगर आपको उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस नहीं भी हो रहा है, मैं फिर भी कहूँगी दैट यहाँ पे फ्यूचर में होप है, या फ्यूचर में काफ़ी सारा पोटेंशियल है जिसे आप आज़मा के देख सकते हो अगर आप चाहो तो. पर फिलहाल कुछ लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ा सा स्टक रहेगा, एंड जो लोग नॉर्मली रिलेशनशिप में हो, लाइक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए आप देखोगे कि सिचुएशन थोड़ा सा पहले से बेटर भी होगा एंड बैलेंस्ड भी होगा. बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कम्युनिकेशन, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करना, ये सब आप थोड़ा सा ज़्यादा देख पाएंगे. सो ओवरऑल मैं कहूँगी आप होपफुल रह सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके या इस मैरिज को लेके. जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है या सही होने के लिए हो रहा है. सो थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पे ज़रूरी होगा इसका फाइनल आउटकम तक पहुँचने के लिए. एंड जिन लोगों को लग रहा है कि क्या सब कुछ सच में एंड हो गया है, मेरा आंसर है नो, इट्स नॉट येट ओवर. सो जितना भी आपको लगे कि ये एंड है, बट ये एंड नहीं है, देयर इज़ मोर टू दिस. क्योंकि अभी सिचुएशन बस स्टक है, अभी सिचुएशन बस आप देख सकते हो लाइक एक पॉज पे है. सो जैसे ही कोई प्ले बटन दबाएगा यहाँ पे, फिर से कहानी शुरू हो जाएगी. सो इसका अंत ये नहीं है. ऑफकोर्स देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी जो अभी भी आप दोनों के लिए वेट कर रहा है. सो जस्ट बी पेशेंट एंड काम एंड मैच्योरली डील करो सिचुएशन एंड एनर्जीज के साथ. आई एम श्योर कि बैलेंस आप ज़रूर कर पाएंगे, नो मैटर वॉट हैज़ हैपेंड और नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई एरीज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफकोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.